अगर आप बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा के वीडियोस बनाते हो फिर भी आपको इस पे व्यूज नहीं आते या फिर आपके वीडियोस वायरल नहीं होते तो इसके पीछे एक बहुत कॉमन रीजन होता है कि आपने अपनी वीडियो सही तरीके से अपलोड नहीं करी है। जैसे बहुत सारे लोग वीडियो बनाने के बाद जब उसको अपलोड करते हैं तब वो उसका थंबनेल बनाते हैं और उसी टाइम पे उसका टाइटल भी डिसाइड करते हैं, जबकि करना आपको ये होता है कि जैसे ही आपकी वीडियो का टॉपिक आपको मिल जाए उसके बाद सबसे पहले आपको उसका थंबनेल बनाना है और टाइटल भी उसी टाइम पे डिसाइड कर लेना है। इससे आपकी वीडियो की डायरेक्शन सेट हो जाती है, आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आप किस तरह की वीडियो बनाने वाले हैं। वरना ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि आपने टॉपिक तो किसी और पर्पस के लिए चूज करी लेकिन वीडियो बनाते बनाते कुछ और ही बन गई, क्योंकि आपको पहले से पता नहीं था एग्जैक्टली कि आपको किस टाइप की वीडियो बनानी है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप पहले से थंबनेल और टाइटल बना लेते हैं तो आपकी वीडियो भी बिल्कुल थंबनेल और टाइटल से रिलेटेड होती है और ऐसे वीडियोस में आपको ज्यादा ऑडियंस रिटेंशन मिलने के चांसेस होते हैं। दूसरी गलती जो काफी सारे क्रिएटर्स करते हैं कि वो YouTube ऐप से अपने वीडियोस अपलोड करते हैं। अब YouTube ऐप से वीडियोस अपलोड करना बहुत आसान है लेकिन उसमें आपको अपनी वीडियो को ऑप्टिमाइज करने के बहुत सारे क्रूशियल फीचर्स नहीं मिलते हैं, और YouTube पे जब तक आपका चैनल ग्रो नहीं हो जाता तब तक अपनी वीडियोस को बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको ज्यादा रीच मिलती है तो व्यूज आने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। इसके अलावा YouTube ऐप में आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स नहीं मिलते हैं जिससे लिटरली आप फ्री में व्यूज गेन कर सकते हो, तो इसके बारे में भी आगे बताऊंगा। बट बिफोर दैट लेट्स रिविजिट द क्वेश्चन, व्हाट इज द राइट वे टू अपलोड वीडियोस ऑन YouTube। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही आपकी वीडियो का टॉपिक मिल जाए तो सबसे पहले आप उसका थंबनेल और टाइटल वहीं पे डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद ही वीडियो बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करिए। और एक बार जब वीडियो बनके कंप्लीट हो जाए तो उसको यूट्यूब ऐप से अपलोड नहीं करना है। अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो फोन में ही आप क्रोम ब्राउजर में जाके यूट्यूब स्टूडियो ओपन कर लीजिए और यहाँ से डेस्कटॉप वर्जन सेलेक्ट कर लीजिए, तो आपको यहाँ भी वो सारे फीचर्स मिल जाएंगे जो किसी को डेस्कटॉप या पीसी में मिलते हैं। अब यहाँ आप जैसे ही अपलोडिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले जो टाइटल आपने डिसाइड किया था उसको लिख लीजिए, उसमें आपको चेंजेस नहीं करने हैं। बस इसके लिए क्विक टिप ये है कि टाइटल बहुत बड़ा ना हो, 60-65 वर्ड्स में आपका टाइटल आ जाता हो, दैट वुड बी वेरी गुड। नाउ टाइटल कम्प्लीट कर लेने के बाद डिस्क्रिप्शन में आके आपको सबसे पहले कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं जो आपकी वीडियो से रिलेटेड होंगे, और आपको कुछ कीवर्ड्स को भी साथ में उन सेंटेंसेस में इंक्लूड करना है। फॉर एग्जाम्पल इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप जाके देखोगे तो मैंने लिखा है, इफ यू डोंट नो व्हाट इज द राइट वे टू अपलोड YouTube वीडियोस देन दिस वीडियो इज फॉर यू। तो यहाँ पे मैंने कीवर्ड भी यूज कर लिया और सेंटेंस भी बना लिया। ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस आपको लिख देने हैं। उसके बाद आप अपने वीडियोस के कुछ लिंक्स दे दीजिए, आपके सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स और कुछ एफिलिएट लिंक्स, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो वो भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अब ये जो चीजें हैं ये आपको हर वीडियो में रिपीट करनी होगी, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है। आप यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे, अपलोड डिफॉल्ट्स में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें जैसे आपके पुराने वीडियोस के लिंक्स, आपके सोशल मीडिया हैंडल्स, कुछ एफिलिएट लिंक्स, आपको सब यहाँ पे पेस्ट कर देने हैं, क्योंकि ये हर वीडियो में रिपीट होंगे तो बार बार आप हर वीडियो में तो पेस्ट नहीं करेंगे ना, तो यहाँ पे उनको पेस्ट कर देना है। इधर से जाके आपकी जो भी कैटेगरी है, क्योंकि कैटेगरी नॉर्मली लोगों की चेंज नहीं होती, तो वो भी आपको यहाँ से चूज कर लेनी है और फिर उनको सेव कर लेना है। तो अब आप जब भी वीडियोस अपलोड करोगे तो उसमें ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट लिख के आ जाएंगी। अब डिस्क्रिप्शन लिखते टाइम एक और गलती जो बहुत सारे क्रिएटर्स करते हैं कि वो उसमें कीवर्ड स्टफिंग करते हैं, यानी भर भर के कीवर्ड्स उसमें ऐड कर देते हैं, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग अगेन। क्योंकि कीवर्ड्स ऐड करने का पूरा पॉइंट ये था कि हमको यूट्यूब एल्गोरिदम को ये समझाना होता था कि भाई हमारी वीडियो इस फलाना फलाना टॉपिक पे है, लेकिन अभी के टाइम पे यूट्यूब एल्गोरिदम इतना स्मार्ट हो चुका है कि अगर आप अपनी वीडियो में किसी मूवी का नाम भी लेते हो तो वीडियो में नीचे सजेस्ट हो रही होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप नहीं भी कीवर्ड्स ऐड करते हो तो भी यूट्यूब को समझ में आ जाता है कि वीडियो का टॉपिक कौन सा है, किस टाइप की ऑडियंस को इसको दिखाना चाहिए, तो इसीलिए इतने सारे कीवर्ड्स ऐड करने का कोई पॉइंट बनता नहीं है। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप इतने सारे कीवर्ड्स अपने वीडियोस में यूज करते हो तो ये मिसलीडिंग मेटाडेटा के अंडर आता है, जो कि YouTube पॉलिसीज की वॉयलेशन है, तो इसके लिए आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक भी मिल सकती है। तो इसलिए आप ये गलती मत करना और फिर अपना डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद जो भी थंबनेल आपने बनाया है वो सारी चीजें अपलोड कर दीजिए। नाउ अगर आप अपने वीडियोस को प्लेलिस्ट में ऐड नहीं करते हैं तो आपको ऐड करना चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसा टूल है जिससे आपको फ्री में व्यूज मिलते हैं। तो एटलीस्ट कुछ प्लेलिस्ट आप क्रिएट करके रखिए और उसमें अपने वीडियोस को ऐड कर दीजिए।
अब नीचे यहाँ पे आपको टैग्स ऐड करने का ऑप्शन भी मिलता है और कई सारे क्रिएटर्स यहाँ पे अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं बिकॉज टैग्स आपके वीडियोस को रैंक करने में बहुत ही मिनिमल रोल प्ले करते हैं और ये यूट्यूब ने यहाँ पे कैटेगोरिकली बताया हुआ है, तो इसलिए इसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। दो चार टैग जो आप हर वीडियो में यूज करते हैं वो सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके अलावा अपने वीडियो का लैंग्वेज, रिकॉर्डिंग डेट, वीडियो लोकेशन, ये सारी चीजें जब आप फिल करते हैं तो आपकी वीडियो ऑप्टिमाइज हो जाती है। अब वीडियो एलिमेंट्स के ऑप्शन में आपको एंड स्क्रीन ऐड करने का और फिर कार्ड्स ऐड करने का ऑप्शन मिलता है और यही वो टूल्स हैं जिनको यूज करके आप फ्री में व्यूज गेन कर सकते हैं। मैंने इनसे ऑलमोस्ट 140 के व्यूज गेन किए हैं जो कि बहुत ज्यादा होते हैं और इसमें आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ता है एंड यू कैन ऑल्सो गेन अ लॉट ऑफ फ्री व्यूज। जैसे यहाँ पे अगर आप एंड स्क्रीन ऐड करते हैं तो सबसे पहले तो आपको बहुत सारी वीडियोस यहाँ पे नहीं लगानी, आपको 3 या 4 वीडियोस लगाने के ऑप्शंस मिल जाते हैं, बट आपको अपने एंड स्क्रीन में एक और बहुत ज्यादा करेंगे तो 2 वीडियोस ऐड करनी है और साथ में ऑडियंस को ये बता देना है कि व्हाई दे शुड क्लिक ऑन योर वीडियो। जैसे इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मैं ये वीडियो लगाने वाला हूँ तो मैं ऑडियंस को ये बोलूंगा कि गाइस ये तो सारे वो मिस्टेक्स थे जो लोग वीडियोस अपलोड करते समय करते हैं, बट देयर आर अ लॉट ऑफ अदर मिस्टेक्स जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 99% क्रिएटर्स का चैनल कभी ग्रो नहीं हो पाता और वो मिस्टेक्स मैंने इसमें बता रखी है तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो ऐसा करके जब आप लोगों को एक रीजन देते हैं कि व्हाई दे शुड क्लिक ऑन योर एंड स्क्रीन तो इससे काफी सारे लोग आपके वीडियोस पे क्लिक भी करते हैं। सिमिलरली आप कार्ड्स या फिर आई बटन्स में भी ऐसे ही वीडियोस ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कुछ टाइम पहले कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक के बारे में बताया था तो उसी टाइम पे मैं एक कार्ड ऐड कर दूंगा जिसमें उस वीडियो का सजेशन आ रहा होगा। तो इस तरीके से आप अपने एंड स्क्रीन्स और कार्ड्स ऐड करके यू कैन गेन अ लॉट ऑफ फ्री व्यूज। अब ये सब कुछ हो जाने के बाद फाइनली विजिबिलिटी का ऑप्शन आपको मिलता है तो इसमें आई गेस पब्लिक तो आप सभी जानते ही हैं, वीडियो तुरंत पब्लिक हो जाती है आपके चैनल पे। प्राइवेट और अनलिस्टेड में आपकी वीडियो चैनल पे पब्लिश नहीं होती और इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अनलिस्टेड में आपको वीडियो का एक लिंक मिलता है जिसको आप किसी को भी सेंड कर सकते हैं, लेकिन जब आप अपनी वीडियो को प्राइवेट करते हैं तो आपको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलता और शेड्यूल में आपको जिस भी दिन जिस भी समय पे वीडियो अपलोड करनी है वो आप यहाँ पे से सेट कर सकते हैं। अब यहाँ मैं आपको थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब भी मैं अपनी वीडियो को अनलिस्टेड कर देता हूँ या शेड्यूल कर देता हूँ तो मेरी वीडियो की रीच कम हो जाती है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं अपनी वीडियो को सब कुछ करके उसी टाइम पे पब्लिक कर देता हूँ तो आई गेट मोर रीच, आई गेट मोर व्यूज ऑन दैट वीडियो। अब पता नहीं ये सिर्फ मेरे साथ है या आपके साथ भी ऐसा होता है, अगर होता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस तरीके से आप अपने वीडियोस को सही तरीके से YouTube पे अपलोड कर सकते हैं और अपने चैनल पे ज्यादा व्यूज और सब्सक्राइबर्स भी गेन कर सकते हैं। अब मैंने इस वीडियो में वो मिस्टेक्स आपको बताई जो क्रिएटर्स वीडियो अपलोड करते समय करते हैं, बट क्रिएटर्स बहुत सारी ऐसी गलतियां भी करते हैं जिसकी वजह से 99% ऑफ क्रिएटर्स नेवर एवर ग्रो देयर चैनल्स और वो मिस्टेक्स मैंने इस वीडियो में बता रखी हैं तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं।